साइन सुन कर आए हैं, कहा कि अपनी जान अपने हाथ में, हमारा कोई उसमें लेन देन नहीं है, मरोगे तो अपनी जिम्मेदारी पे, हमारा कोई हाथ नहीं होगा। तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं दूधपसरी एंड यहाँ पे मैं करूंगा पैराग्लाइडिंग। मुझे ऐसे पैराग्लाइडिंग से फोबिया है एंड हाइट से भी हाइट फोबिया, मुझे डर लगता है, पर फिर भी ये मेरा ड्रीम है ताकि मैं करूँ। तो आज मैं कोशिश करूंगा अपने ड्रीम को पूरा करने का एंड अपने डर पे भी पूरा काबू रखने की कोशिश करूंगा, अगर हो पाया एंड रख पाया मैं तो। बाकी मजा बहुत ज्यादा आने वाला है, बट एक गलती कर दी मैंने, मैं गलत जगह आ गया, वो बहुत नीचे है एंड मैं बहुत ही ऊपर हूँ। देखो गाइस, वो बहुत नीचे है, अब मैं वहां पर कैसे जाऊंगा। तो गाइस इनसे हम बात करेंगे, क्या है इनका रिएक्शन सिस्टम, वो भी है। तो गाइस हम जाएंगे घोड़े पे चढ़ के एंड ऊपर से करेंगे हम पैराग्लाइडिंग। हम रेडी है भाई पैराग्लाइडिंग करने के लिए एंड ये हमारा घोड़ा रहेगा जो हमें ऊपर वहाँ पहाड़ तक ले जाएगा एंड उस पहाड़ से हम कूदेंगे नीचे, और ये भैया होंगे जो हमारे साथ है भाई यहाँ पे। तो साइन सुन कर आए हैं, कहा कि अपनी जान अपने हाथ में, हमारा कोई उसमें लेन देन नहीं है, मरोगे तो अपनी जिम्मेदारी पे, हमारा कोई हाथ नहीं होगा। तो देखते हैं भाई आज जिंदा ही वापस आएंगे या नहीं, जो भी होगा। ये हमारे भाई कह रहे हैं पायलट एक्सपीरियंस, बट मुझे डर लगता है हवा से, क्योंकि हवा किसी और दुनिया में ना लेके जाए तो मजा आने वाला है भाई पूरा। व्यू भी बहुत ही बढ़िया है, प्यारा दूध पथरी। तो गाइस फाइनली हम पहुंच चुके हैं उस पॉइंट पे जहां से हम पैराग्लाइडिंग करेंगे एंड ये रहा वो पॉइंट एंड ये वो नीचे, बहुत ही नीचे है, बट देखते हैं क्या होता है। तो गाइस मुझे अभी से डर लग रहा है सोच के ही, क्योंकि मुझे हाइट से बहुत ज़्यादा डर लगता है एंड ये तो बहुत ज़्यादा हाइट पे है। और जो लोग लगा रहा हूँ ना, तो भाई ने बोला डोंट टच एनी लॉक, वरना ऊपर से ही नीचे जाओ। और स्टार्टिंग टाइम आपको भागना है मेरे साथ में, भागने की कोशिश बिल्कुल नहीं करनी है, भागते रहना और भागते भागते हम लोग उड़ जाएंगे, समझ गए? डोंट ट्राई टू हिट, डोंट ट्राई टू जंप, ओनली यू हैव टू रन। तो तैयार है हम राइड के लिए। All is well, all is well, all is well. इतनी तो चला भी नहीं जा रहा है। यहीं पे रहूँ। तब तक हम टेक ऑफ नहीं करेंगे, तब तक भागते रहेंगे। एंड लैंडिंग के समय टांगे ऊपर। हाँ, लैंडिंग जोर से भाग रहा है, भाग 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 भाग। ओ भाई मजे में, दूध पथरी का नजारा गजब का है भाई। तो भाई हम लटक गए हवा में, गजब का मजा है भाई, गजब का। ओके लाइक ऐसे ऐसे करने टांगे खड़ी और ब्रेक लग रही है बीच में हवा से हमें। तो गाइस हाय, अभी से
जा खड़े हो, जा खड़े। लगा हम कुछ सेकंडों में इतने ऊपर से नीचे पहुंच गए, बट मजा था। फिर से मन कर रहा है एक और बार जाऊं। इतनी जल्दी कैसे पहुंच गए भाई? दुकान पे जबरदस्त। तो गाइस फाइनली हमने कर ही लिया, बट जितना सोचा था डर लगेगा उतना लगा नहीं, क्योंकि पता ही नहीं लगा एक बार जब हाइट में हम चले गए एंड उसके बाद में रिलैक्स हो गया सीधे, तो मजा आ गया। तो गाइस फाइनली जहां मैं पैराशूट से उतरा था वहां से यहां तक चल के आए, मेरी बैंड बज गई चल चल के। तो फाइनली मुझे एक और घोड़ा करना पड़ा यहां से अपनी गाड़ी तक, लेकिन जो भी था मजा बहुत आया। तो गाइस ये दूध पथरी थी, शाम का टाइम हो रहा है, सूरज डूब रहा है एंड हम थोड़े से लेट आए, इस वजह से थोड़ा टाइम जो है वो ज्यादा हो गया। तो गाइस मैंने अपने मम्मा पापा को छोड़ा था जब मैं पैराग्लाइडिंग करने गया था एंड अब मुझे वो मिल ही रहे, तो मुझे समझ नहीं आ रहे उन्होंने मेरे को छोड़ दिया या मैंने उनको छोड़ दिया, कोई समझ नहीं आ रही है। तो अभी मैं ढूंढ ही रहा हूँ उनको, पता नहीं कहाँ पे बैठे हैं वो, यहाँ सारा एरिया पता नहीं किस साइड वो चले गए एंड ढूंढना पड़ेगा मुझे उनको। तो गाइस फाइनली मम्मा पापा मेरे मिल गए यहाँ पर, देखो कहाँ मजे ले रहे हैं दोनों बैठ के, दोनों यहाँ पानी में बैठे हैं वो एक दूसरे की फोटो देखो कैसे ले रहे हैं मजे से, मुझे छोड़ दिया था आधे रास्ते में। अब मुझे छोड़ के चले आए थे। तो वीडियो बना रहा हूँ। पानी देखो एकदम मोती जैसा पानी है, बिल्कुल साफ सुथरा।